आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को महाभारत कालीन का जो मंदिर है बुद्ध जी का, वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और अगर हम इस टाइम की बात करें तो मैं NS-34 ये हैवी मेरे सामने देख सकते हो, और ये इस साइड जो गया है वो अलीगढ़ की तरफ है, और इस साइड जो गया है वो कानपुर की तरफ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बुद्ध जी का मंदिर दिखाएंगे महाभारत कालीन का। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस टाइम की बात करें तो ये बेवर जो है, बेवर बाईपास पे ये मंदिर है। आज जब आप बेवर में आएंगे तो बेवर के बाईपास पे ये मंदिर पड़ता है बुद्ध जी का। और चलते हैं मंदिर की तरफ। ये है यहाँ पर मंदिर महाभारत कालीन श्री विदुर आश्रम माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ को यह समर्पित है। और अभी इसके अंदर जाएंगे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जो भी होगी वो हम आप लोगों को देंगे। इस मंदिर में फर्स्ट टाइम आया हूँ। प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पर जो ना बिल्कुल 5 हवन कुंड बनाए गए हैं, 5 यहाँ पर हवन कुंड हैं। अभी पूरा मंदिर जो है ना पूरा घूमकर आए हैं, और समित और अमन दोनों साथ ही थे। तो इस मंदिर के बारे में महाराज जी से पूछा तो वो बता रहे थे कि इस मंदिर के बारे में मतलब उन्हें कुछ पता नहीं था, ये मंदिर कितना पुराना है और ये आश्रम था या मंदिर था कुछ पता नहीं। और तब भी अंदर से बहुत अच्छा मंदिर था, और माता रानी की ज्वाला देवी मैया क्या मतलब उस पर लिखा था शक्तिपीठ ज्वाला देवी उसी प्रकार पर, और बहुत अच्छा लगा घूमने के लिए। और यहाँ पर आने के लिए अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता है NS-34 जो बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल यहीं से ही मंदिर से ही दिख रहा है NS-34, तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और ये मंदिर के बाहर ये गार्डन है। और ये मंदिर के बाहर का व्यू है बिल्कुल गार्डन का, आपको दिखा रहे हैं। और ये 2 गेट हैं इस मंदिर में जाने के लिए। और ये सामने रहा NS-34 बिल्कुल पास में ही है। और ये हमारी बाइक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।